गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज टॉपिक, दैट इज लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? संचार क्या है? संचार वह माध्यम है जिसके द्वारा हम संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ सकते हैं बिना किसी डिस्टेंस के, लिमिटेशन के। अब जैसे हम लोग के क्लासेस कैसे चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रहे हैं, हम लोग अपने घरों में हैं, आप लोग भी कितनी दूरी पे अपने घरों में हैं, लेकिन किसकी वजह से, किस माध्यम से क्लासेस चल रहे हैं? कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार के माध्यम से। तो इस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से, मैं क्या पढ़ा रही हूँ आप लोग के पास पहुंच जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सब किसके माध्यम है? कम्युनिकेशन के। तो इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये सारी चीजें जो पॉइंट्स में मैंने लिखा है, इसी के माध्यम से नवीनतम प्रगति हो रही है। तो पहला टॉपिक हमारा इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में क्या क्या चीजें हैं उसको हम जानेंगे। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। संचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की प्रगति के लिए। इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल सर्विसेस, इंटरनेट आर यूज्ड एज ए रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीडी। आईपीडी क्या होता है? आई स्टैंड्स फॉर इंडियन, पी स्टैंड्स फॉर पोस्टल एंड डी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा कब शुरू हुई थी, इसको हम क्या कहते हैं? ई पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा। इसकी शुरुआत हम इंडिया में कब हुई थी, भारत में? 2001 में। सेकेंड पॉइंट है 3G। 3G मीन्स थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म हो गया थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह सी, थर्ड पॉइंट है 4G। 4G का क्या मीन्स मतलब होता है? फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है? विद ए न्यू नेम इज कॉल्ड मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल। जो स्मार्ट मोबाइल किस सेंचुरी का है? 21st century का। तो इस तरह से 3G और 4G हमारे 21st century के स्मार्ट मोबाइल के ये मीडियम हैं, जिससे हम और आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। चौथा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब जैसे आप लोग वीडियो कॉल करते हैं, तो वीडियो कॉल में फिगर सहित व्यक्ति दिखता है। ऑडियो कॉल करते हैं, उसमें सिर्फ आवाज सुनाई देती है। तो ये सारी सुविधा हमको किस वजह से मिली है? कम्युनिकेशन की वजह से हमको प्राप्त हो रही है, जो हमारे स्मार्ट मोबाइल में आजकल आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। अब वाईफाई देख रहे हैं। वाईफाई मीन्स क्या होता है? वाई डब्ल्यू आई एफ आई, वायरलेस फाइडेलिटी। वायरलेस
फाइडेलिटी आप लोग भी नाम जानते होंगे, ये हमारी कौन सी तकनीक है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे स्मार्ट मोबाइल का। और किसकी देन है? हमारे वैज्ञानिकों की देन है, जो हम कम्युनिकेशन के दौर में हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। अब है वाई मैक्स, वर्ल्ड वाइज इंटरप्रियोबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब देखिए, अब कहेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई यानी वायरलेस फाइडेलिटी एंड वाई मैक्स टेक्निक आर आल्सो ए वंडरफुल प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय साइंस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हमारे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों की ये अद्भुत देन है, जिसका लाभ हम नवीनतम टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग उठा रहे हैं। उसी तरह से देखिए, ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डेटा, वीडियो, टेलीविजन इज नाउ इजिली अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन्स थ्रू द 3G एंड 4G टेक्नोलॉजी। इस तरह से हम ये सारे पॉइंट्स आपको समझा चुके। और अब देखिए, जी पॉइंट है आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इंफॉर्मेशन, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत काम आ रही है। और इसी के दृष्टिगत गवर्नमेंट ने भी एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है एडुसेट, जो शिक्षा के लिए समर्पित है, जो एजुकेशन के लिए समर्पित है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक पे चर्चा की। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है इस कम्युनिकेशन का, इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का किन किन चीजों पे प्रभाव पड़ता है? सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक दृष्टिकोण से भी पड़ता है। डिजिटल डिवाइसेस एंड अदर जियोग्राफिकल हिंडरेंस, बिना भौगोलिक बाधा के हम इन सब सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, जो कम्युनिकेशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इनको पॉजिटिव डेवलपमेंट में यूज करें, ना कि नेगेटिव डेवलपमेंट में।